यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्रेन के लिए कुछ सूखा नाश्ता, तो जो मतलब शाम के टाइम पे चाय वाय के साथ हम खा सकते हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने मूंगफली को, थोड़ा भून लेती हूँ मैं। मूंगफली मेरा ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने, भून लिया है मैंने इसको। बाद में इसका छिलका अच्छे से निकाल लेंगे, वो ठंडा हो जाने के बाद में। यहाँ पर रख दिया मैंने कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला है और उसमें 2 हरी करी कटी मिर्च डाल दी है मैंने। मिर्च को अच्छे से भूनना है। थोड़ा भी कच्चा नहीं रहना है, पूरा एकदम लाल हो जाना है एकदम। और अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, इसको भी भून लेना अच्छे से। अब इसमें डालना है मुरमुरा और इसमें नमक, वो अच्छे से भून लेते हैं। तो ये स्नैक्स वगैरह में खाने में बहुत अच्छा लगता है शाम को चाय के टाइम पे। तो जल्दी जल्दी इसको भून लेते हैं अच्छे से। खाने में ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा भून के तैयार हो गया, और इसको ठंडा कर देते हैं। और अब इसी कढ़ाई में बना लेते हैं दूसरा भी नाश्ता, पॉपकॉर्न। और ढक दिया मैंने पट 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 बोल रहा है। देखिए दोस्तों मेरा बन के तैयार हो गया पॉपकॉर्न, बन के तैयार हो गया, इतना मस्त बना है देखिए। तो यही आप बाहर खरीदेंगे ना तो बहुत पैसा लगता है वहाँ पे, ट्रेन में तो बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं घर से ये सब रेडी कर लेती हूँ ताकि ट्रेन में ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े, क्योंकि 10 रुपये का सामान है ना तो 50 रुपये मांगेंगे वो लोग। अब मजबूरी रहती है, रहना लेना ही रहता है, फिर कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है ट्रेन में। मतलब जो भी आता है तो उतना वो अच्छा वाला नहीं रहता है, समोसा फमोसा ये सब। तो ये सब घर का रहता है तो अच्छा रहता है, और एक दिन का सफ़र भी नहीं है कि एक दिन खा के कैसे भी निकाल लेंगे। 3 दिन लगता है हमको जाने में गाँव। और यहाँ पर मेरा मूंगफली मैंने अच्छे से छिलका निकाल लिया है और इसमें मिक्स कर ले रहे हैं। और नमकीन वगैरह भी इसमें, भुजिया नमकीन ये सब डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हरी मटर भी डालते हैं इसमें, लेकिन हरी मटर डालूँगी तो ट्रेन में ख़राब हो जाएगा। तब तक एकदम मतलब ये ऐसे कुरकुरा है ना, ऐसा नहीं रहेगा, एकदम पानी पानी जैसा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नमकीन वगैरह जब खाने लगेंगे ना वहाँ पर तब मिक्स करेंगे, अभी नहीं मिक्स करेंगे। तब एक सिर्फ मूंगफली और ये मुरमुरा ऐसे मिक्स करके रख लेते हैं। अब मैं डिब्बे में पैक कर लेती हूँ। कौन को मैंने इस थैली में पैक कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा डिब्बा 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 हो जाएगा तो अभी खाने का भी डिब्बा रहेगा तो जगह नहीं रहती है, बहुत पूरा फुल हो जाएगा। तो ले आना सबसे बड़ा भारी वही पड़ता है थैली है, तो अपना खाओ और फेंको।
यहाँ मैंने रख दिया, एयर टाइट डब्बा है उसमें, और इसको अब पैक कर लेते हैं। तो इसमें हवा नहीं लगेगा, ये एयर टाइट डब्बा है, तो पैक हो गया। तो कैसे लगे आप लोग को ये रेसिपी? फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो बाय बाय।